Bismillahir Rahmanir Raheem. Assalamu alaikum. you, students. I hope you'll be fine. I'm here once again with Cambridge Lower Secondary Book 7. Chapter number 2, we have started and it's exercise 2.1. We have completed it. Well. Question number 6. And now we are moving towards question number 7. So let's see what's inside it. Zara is classifying some expression cards into groups of equivalent fractions. Before actually attempting or doing the question, let us understand. What is order of of operations? For example, I have two numbers two multiply by three, it gives me an answer of six, multiply answer multiply और हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में जो ऑर्डर ऑफ numbers है ये मैटर नहीं करता ठीक है टू मल्टीप्लाई बाय थ्री करूं तब भी आंसर सिक्स आता है थ्री मल्टीप्लाई by टू करूं तब भी आंसर सिक्स ही आएगा इसीलिए जब हम वेरिएबल्स के साथ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं टू मल्टीप्लाई बाय का आंसर भी टू एक्स आएगा ठीक है एंड सेम विथ एडिशन यहां पर मैं टू प्लस थ्री करूं इसका आंसर क्या आएगा फाइव और थ्री प्लस टू करूं तब भी आंसर मेरे पास क्या आएगा फाइव सिमिलरली यहां पर मैं अगर अ या एक्स ले लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस थ्री करूं उसका आंसर भी मेरे पास प्लस एक्स के ठीक है क्यों क्योंकि टू प्लस टू इस इसी तरह से वेरिएबल्स के अंदर भी ऑर्डर हमारे पास मैटर नहीं करता मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के अंदर ठीक है और इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हो फाइव मल्टीप्लाई बाई टू प्लस थ्री मैं लिखूं तो यहाँ पर क्या है पहले मल्टीप्लीकेशन होगा और फिर हमने ऐड करना होगा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में हमने ये बात सीखी है ना कि आपने हमेशा मल्टीप्लीकेशन पहले करना है और उसके बाद फिर एडिशन या की थ्री प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय टू या मेरे पास इस तरह लिखा हो थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई बाय फाइव यहाँ पर भी मैंने पहले फाइव मल्टीप्लाई बाय टू करना है यहाँ पर भी मैंने पहले टू मल्टीप्लाई बाय फाइव करना है और इसी तरह से फाइव मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री के अंदर भी ये भी मेरे पास पहले फाइव मल्टीप्लाई बाय टू करना है फिर थ्री से प्लस करेंगे या मैंने लिखा हो टू मल्टीप्लाई बाय फाइव प्लस थ्री तब भी मेरे पास क्या होगा यहाँ पर मैंने टू मल्टीप्लाई बाय फाइव करना है और फिर थ्री से प्लस करना है तो देखो चारों सिचुएशन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा फाइव टू जार टेन थ्री प्लस टेन ठीक है थर्टीन फिर टू फाइव जार टेन थ्री प्लस टेन थर्टीन फिर देखो फाइव टू जार टेन प्लस थ्री थर्टीन और इसी तरह से टू फाइव जार टेन प्लस थर्टीन तो देखो यहाँ पर तीन चारों सिचुएशंस में आंसर हमारे पास सिमिलर है ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है हमसे कह रहे हैं जारा इज क्लासिफाइंग सम एक्सप्रेशन कार्ड इन टू ग्रुप्स ऑफ इक्वेलेंट एक्सप्रेशन ठीक है जारा के पास कुछ कार्ड्स है और ये ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस में इसको क्लासिफाई कर रही है यानी कि अलग अलग कर रही है तो एक्सप्लेन वाई जारा इज करेक्ट जारा यहां पर क्यों करेक्ट है कि वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन कार्ड्स को इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में कैसे रख सकती है तो बिल्कुल वही बात कि यहाँ पर हमारे पास ये चारों क्या है इक्वीव है ना इसी तरह से यहाँ पर हम देखें अगर चेक करें तो टू एन प्लस थ्री का मतलब है टू मल्टीप्लाई बाय एन प्लस थ्री इसको हम कैसे लिख सकते हैं एन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री ठीक है थ्री प्लस एन मल्टीप्लाई बाय टू थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एन ठीक है और आप चाहो तो इसको साथ में लिख सकते हो थ्री प्लस टू एन सही है और आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो थ्री प्लस एन टू जो आपका प्लस थ्री ही होना चाहिए इसी तरह से थ्री मल्टीप्लाई बाई एन प्लस टू थ्री मल्टीप्लाई बाय प्लस टू भी नहीं हो सकता एन और टू को मल्टीप्लाई ही करना है ठीक है थ्री के साथ एन को मल्टीप्लाई नहीं करना सिचुएशन ए के अंदर हमें टू और एन को मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस थ्री करना है तो ये देखिए हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी ये हमारे पास सेम है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे पार्ट ए के अंदर ड्यू टू ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन शी कैन classify सम एक्सप्रेशन cards into groups of ऑफ expressions. She शी इज करेक्ट ठीक है पार्ट बी के अंदर हमने क्लासीफाई करना है ग्रुप्स को कार्ड्स को ग्रुप्स ऑफ इक्वीवेंट एक्सप्रेशन के अंदर तो हम कह सकते हैं कि टू एन प्लस थ्री जो हमारे पास ए में है डी में है इसके बाद और चेक कर लेते हैं कि टू मल्टीप्लाई बाय और कहां पर हो रहा है? 3 के साथ तो पार्ट जी में देखिए टू एन प्लस थ्री पार्ट जी के अंदर है इसी तरह से टू एन और कहां पर है हमारे पास तो ये देखिए टू एन के अंदर भी है टू एन टू मल्टीप्लाई बाय प्लस थ्री तो ये K के अंदर भी हमारे पास ये सेम सिचुएशन है तो ये सारी सिचुएशन हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है तो क्या, क्या क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर ए डी जी एंड के आर दी ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन इन चारों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा फिर पार्ट बी की बात करें टू मल्टीप्लाई बाई एन माइनस थ्री आंसर क्या आएगा हमारे पास टू एन माइनस थ्री पहले था टू एन प्लस थ्री अब टू एन माइनस थ्री देखना है तो हमारे पास ये वाला जो है इसके अंदर हमने देखना है टू मल्टीप्लाई बाय एन के साथ माइनस थ्री हो रहा हो तो कहाँ पर हमें नजर आएगा स्टूडेंट्स अगर हम देखें मल्टीप्लाई by एन माइनस थ्री ये हमें नजर आ रहा है पार्ट आई के अंदर टू एन माइनस थ्री ठीक है तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी हमारे पास सिमिलर है कौन कौन से बी एंड आई अच्छा अब एक जगह पर अगर आप गौर से देखो तो पार्ट ई e और पार्ट एफ के अंदर थ्री माइनस टू एन है वहां पर भी है तो टू एन लेकिन टू एन नेगेटिव है और थ्री पॉजिटिव है जबकि पार्ट बी और पार्ट आई के अंदर टू एन पॉजिटिव था एन थ्री नेगेटिव था यहां पर सिचुएशन रिवर्स हो गई थ्री पॉजिटिव हो गया और टू एन नेगेटिव हो गया इसलिए हम इनको इक्वेलेंट एक्सप्रेशन में नहीं रखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि पार्ट ई थ्री माइनस टू एन वाली पार्ट ई एंड एफ आर इक्वेलेंट एक्सप्रेशन ठीक है ये दोनों भी हमारे पास इक्वेलेंट एक्सप्रेशन है उसके बाद हमारे पास पार्ट सी के अंदर थ्री मल्टीप्लाई बाय एन हो रहा है 3 पार्ट सी के अंदर हमारे पास और कौन सी फ्रैक्शन है तो आप देख सकते हैं कि टू प्लस थ्री एन इन पार्ट एच यहाँ पर भी थ्री एन है और टू है दोनों पॉजिटिव है तो ये हमारे पास सेम सिचुएशन पार्ट सी एंड एच और इसी तरह से आप पार्ट जे के अंदर देखो तो पार्ट जे के अंदर भी थ्री एन और पॉजिटिव टू है दोनों पॉजिटिव है थ्री एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फिर प्लस टू हो रहा है तो पार्ट जे के अंदर भी हमारे पास यही सिचुएशन है तो सी उसके बाद हमारे पास एच उसके बाद जे और जे के बाद हमारे पास एल के अंदर भी थ्री एन प्लस टू ही हो रहा है ठीक है आप इन सबको एक साथ रख के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब के सब एक जैसे हैं जैसे सी हमारे पास है थ्री मल्टीप्लाई बाय एन प्लस टू मीन्स थ्री एन प्लस टू ठीक है तो एच के अंदर अगर चेक करें तो एच के अंदर क्या है हमारे पास टू प्लस थ्री एन तो ये देख लीजिए टू प्लस थ्री एन सिर्फ ऑर्डर तो चेंज हुआ है थ्री एन प्लस टू और टू प्लस थ्री एन सेम थिंग उसके बाद पार्ट आ, जे के अंदर देखें तो थ्री एन प्लस टू ये बिल्कुल सिमिलर है इससे पार्ट सी से और पार्ट एल की बात करें तो वहां पर भी सिर्फ ऑर्डर चेंज है टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई एन ये क्या होगा टू प्लस थ्री एन इट इज ऑल टूगेदर सेम टू पार्ट तो आप देख सकते हैं कि चारों में हमारे पास सेम एक्सप्रेशन बन रही है दैट इज एक्सप्रेशंस वैलेंट एक्सप्रेशन है क्वेश्चन नंबर एट थ पेड्रोस क्लास वर्क क्वेश्चन इज इन अलोथ शॉप टी शर्ट कॉस्ट टी डॉलर एंड शर्ट कॉस्ट एस डॉलर एक शॉप के अंदर दो तरह की शर्ट है एक टी शर्ट है और एक फॉर एग्जाम्पल सिंपल शर्ट्स है ठीक है आप कह सकते हैं फॉर्मल शर्ट्स एंड वट एवर तो एक टी शर्ट की वन टी शर्ट कॉस्ट टी डॉलर्स ठीक है उसकी प्राइस कितनी है टी है और एक शर्ट की प्राइस कितनी है एस डॉलर्स ठीक है दोनों की प्राइस डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल एक है थाउजेंड रुपीज की और एक है फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज की इसीलिए इन्होंने दोनों को अलग अलग लेटर्स के साथ डिनोट किया है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दोटल कॉस्ट ऑफ पार्ट ए के अंदर कह रहे हैं टोटल कॉस्ट बताइए वन टी शर्ट एंड वन शर्ट अगर हमारे पास वन टी शर्ट हो और वन शर्ट हो और हमने दोनों की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे इसका मतलब है टी प्लस एस कर देंगे सही है अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर पेड्रो ने क्लास वर्क के अंदर क्या आंसर्स लिखे हैं ए में आंसर लिखा मल्टीप्लाई तो उसका आंसर ठीक है तो पेड्रो का आंसर बिल्कुल गलत है पेड्रो हैज टू द टू टी शर्ट बिकॉज वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टू टी शर्ट ठीक है वन टी शर्ट एंड वन शर्ट तो ये दो की जब जब हम दोनों की टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमने एड करना है सब नहीं करना पार्ट बी में देखिए फोर टी शर्ट्स अब क्या खरीदा उसने फोर टी शर्ट्स खरीदी है तो फोर टी शर्ट्स अगर खरीदी है बच्चों तो फोर टी शर्ट्स का मतलब क्या है अगर एक टी शर्ट टी की है तो फोर टी शर्ट्स कितने की होंगी फोर इंटू टू फॉर एग्जाम्पल अगर एक टी शर्ट थाउजेंड रुपीज की है तो फोर टी शर्ट्स की आप प्राइस कैसे निकालेंगे फोर मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड मल्टीप्लाई करेंगे ना सेम क्वांटिटी रिपीट होती है तो वहां पर एडिट uh, हमारे पास रिपीटेड एडिशन होता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन तो हम वहां पर थाउजेंड को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस तो नहीं करेंगे ना तो यहाँ पर भी क्या होगा फोर को हम टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड टू टी शर्ट्स और उसने दो शर्ट्स खरीदी हैं तो सेम यही कि जो दो शर्ट्स उसने खरीदी हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे एस मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे और जब दोनों की टोटल टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी तो फिर आपस में प्लस कर देंगे फॉर एग्जांपल थाउजेंड को फोर से मल्टीप्लाई कर करें हूँ तो फोर थाउजेंड और अगर टू को मल्टीप्लाई करें तो फिफ्टीन हंड्रेड से एक शर्ट की कॉस्ट फिफ्टीन हंड्रेड है तो उसका आंसर थ्री थाउजेंड अब हम फोर थाउजेंड और थ्री थाउजेंड को ऐड कर सकते हैं तो आंसर हमारे पास सेवन थाउजेंड आ जाएगा ठीक है तो इस चीज को आपने ध्यान से देखना है तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगी फोर टी प्लस टू एस ठीक मल्टीप्लाई करके उसके अंदर आपने ऐड करना है तो यहां पर इसके बाद पार्ट बी के अंदर उसने क्या लिखा टू टी प्लस फोर एस यहां क्या मिस्टेक की उसने टू को शर्ट की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फोर को उसने टी शर्ट के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय शर्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जबकि टू को टी शर्ट की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना था सॉरी फोर को टी शर्ट की कॉस्ट से साथ यानी फोर को टी से मल्टीप्लाई करना था और जो क्या नाम है फोर तो है एस है यानी कि शर्ट की प्राइस है उसको टू से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पर भी उसने ये मिस्टेक की है तो यहाँ पर हम सिंपली क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि इसमें इस इस जो मिस्टेक पेड्रो मल्टीप्लाइड इंस्टेड ऑफ एडिंग तो करेक्ट आंसर हमारे पास टी डॉलर होगा पार्ट ए का और उसके बाद फिर हमारे पास पार्ट बी के अंदर ही हैज कन्फ्यूज टू टी शर्ट्स एंड फोर शर्ट्स विद फोर टी शर्ट्स एंड टू शर्ट्स ये कंफ्यूजन उसको हो गई है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास फोर्टी प्लस टू एस होगा ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर नाइन वीव टू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर यू कैन चूज योर दैट्लेन वॉट योर लेटर्सेंट अब यहाँ पर हमारे पास लेटर्स भी प्रोवाइडेड नहीं है सिर्फ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और हमें अपनी खुद से एक्सप्रेशन जनरेट करनी है द टोटल कॉस्ट ऑफ टू टेकोस एंड फोर बरिटोज तो लेटर्स सपोज टेकोज इज इक्वल्स टू टू टी एंड बरिटोज क्वल्स टू बी ठीक है तो टू टेकोस की प्राइस क्या होगी टू मल्टीप्लाई बाई टी और फोर बरेटोज की क्या होगी फोर बी और इन दोनों को हमने टोटल करना है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे क्या आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर वेरी सिंपल टू टी प्लस फोर बी जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं ना उसी को ले लिया करो सिंपल ठीक है ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हाँ लेकिन आपकी मर्जी है कि अगर आप यहाँ पर कुछ और रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं कोई मसले वाली बात नहीं है बस यहाँ यहां आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने टी को किसकी कॉस्ट लिया है और बी को किसकी कॉस्ट लिया है ठीक है द टोटल कॉस्ट ऑफ एट लेमन केक्स लेमन केक्स हैं तो लेट लेमन केक्स बी एल और फाइव कैरेट केक्स हैं तो कैरेट केक्स बी सी ठीक है सी किसको को यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेट केक्स को और एल रिप्रेजेंट कर रहा है एल लेमन केक्स को अब टोटल कॉस्ट ऑफ एट लेमन केक्स है एट लेमन केक्स का मतलब एट मल्टीप्लाई बाय ठीक है और फाइव कैरेट केक्स है तो फाइव मल्टीप्लाई बाय सी और दोनों को हमने क्या करना है टोटल करना है तो दोनों को प्लस कर देंगे आंसर वुड बी एट एल प्लस फाइव सी और ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ सिक्स गोल्ड कॉइन्स इज डबल्ड अब यहाँ पर एक ही हमारे पास क्वॉंटिटी है दैट इज गोल्ड कॉइन्स की तो हम यहां पर कहेंगे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड कॉइन्स इज इक्वल टू जी अब देखिए इसको कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे द टोटल वैल्यू ऑफ सिक्स गोल्ड कॉइन्स सिक्स गोल्ड क्वाइंस है इसका मतलब सिक्स जी और सिक्स जी भी हमारे पास क्या हो गए डबल हो गए डबल डबल का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई बाय जो भी चीज डबल होती है वो से मल्टीप्लाई हो जाती है ट्रिपल होती है तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाय थ्री हो जाती है हाफ का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय टू हो जाती है ठीक है तो ये टर्म्स अब आपको ये मेमोराइज करनी पड़ेगी ट्रिपल का मतलब मल्टीप्लाई बाय थ्री हाफ का मतलब डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए अब सिक्स जी को हम टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों याद रखना जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें से एक में वेरिएबल हो और बाकी दोनों में हमारे पास नंबर्स हो तो नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है ठीक है अब यहां पर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है तो वो तो जी रहेगा लेकिन सी सिक्स मल्टीप्लाई टू हमारे पास ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास आंसर आएगा ट्वेल्व जी अगर सिक्स जी प्लस टू होता तो सिक्स जी प्लस टू को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है ये मजीद सॉल्व नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक के साथ जी है दूसरे सा, के साथ जी नहीं है ठीक है तो हम इसको सिक्स जी प्लस टू जी को एट जी नहीं लिख सकते लेकिन सिक्स जी मल्टीप्लाई बाय टू के अंदर सिक्स को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ये डिफरेंस है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का और ये आपको याद रहना चाहिए तो हमारे पास क्या हुआ द टोटल वैल्यू ऑफ सिक्स गोल्ड कॉइन्स इज डबल का टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स जी और आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर ट्वेल्व जी ठीक है अच्छा उसके बाद लास्ट है हमारे पास द टोटल वैल्यू ऑफ फाइव सिल्वर कॉइंस इज ट्रिपल्ड अब हमारे पास सिल्वर क्वाइंस है तो सिल्वर कॉइंस को हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एस से ठीक है और हमसे क्या कह रहे हैं द टोटल वैल्यू ऑफ फाइव सिल्वर कॉइन्स फाइव सिल्वर कॉइन्स है फाइव मल्टीप्लाई बाई एस एक सिल्वर कॉइन की हमें प्राइस नहीं पता लेकिन हमें इतनी पता है कि टोटल हमारे पास फाइव है तो अगर एक की पता चल जाएगी तो फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल की पता चल जाएगी तो फिलहाल हम यहाँ पे कह देते हैं कि एक की जो वो है एक सिल्वर कॉइन है वो हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल एस डॉलर का है तो फाइव की प्राइस फाइव मल्टीप्लाई बाय एस हो जाएगी इसको हमने थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या करना है ट्रिपल करने का मतलब थ्री से मल्टीप्लाई कर दो फाइव थ्री एस आंसर आ जाएगा ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को इनशाला बहुत अच्छा ये समझ में आ जाएगा ठीक है कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है ठीक है स्टूडेंट्स अच्छा उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन अब क्वेश्चन नंबर टेन को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमसे क्या कहा जा रहा है अच्छा यहाँ पर हमसे कह रहे हैं राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अब हमें क्वेश्चन नंबर टेन के अंदर भी एक्सप्रेशन सीखनी है x मोर देन y, x मोर देन का मतलब होता है प्लस मतलब लेस होता है माइनस ठीक है तो x मोर देन y का मतलब है x प्लस वाई अच्छा मोर देन के अंदर कोई मसला नहीं है y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो दोनों का मतलब सेम है आप यहाँ पर y प्लस एक्स लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा x लेस देन y ये इसके अंदर फर्क पड़ता है कि x सब्ट्रैक्ट सब्ट फ्रॉम y या x लेस y के अंदर y पहले आएगा सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि फ्रॉम या देन के बाद जो क्वांटिटी है वो पहले आती है तो यहां पर हम x माइनस वाई नहीं लिख सकते हमने y माइनस एक्स ही लिखना है नेक्स्ट वी हैव m मोर देन टू टाइम्स n अब देखो मोर देन का मतलब है प्लस m का मतलब है m टू टाइम्स एन का मतलब है टू मल्टीप्लाई बाय तो हम इसको कैसे लिखेंगे मोर मोर देन देन टू टू टाइम्स टाइम्स हमने इसको सब को numbers और उसमें लिख दिया ठीक है जो हमारे पास प्लस माइनस का साइन है मोर देन का मतलब प्लस टू टाइम्स का मतलब है टू मल्टीप्लाई बाय टू तो को मल्टीप्लाई कर देंगे एन से तो वो क्या बन जाएगा टू एन और ये एन एम के साथ प्लस हो जाएगा ठीक है इसी तरह से ए लेस देन थ्री टाइम्स बी अब लेस देन की बात है तो पहले थ्री टाइम्स बी को पहले लिख लें थ्री टाइम्स बी का मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाई बी मतलब है minus का sign. फिर ए मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ रिवर्स हो गया ए बाद में हो गया और थ्री टाइम्स बी पहले हो गया तो थ्री मल्टीप्लाई बाई बी का क्या मतलब है थ्री बी और फिर माइनस ए एस इट इज तो ये थ्री बी माइनस ए हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट वी है पी मल्टीप्लाईड बाई क्यू सिंपल है जैसे एक नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं P को Q के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू मल्टीप्लीकेशन के अंदर नंबर्स और लेटर्स के बीच में या लेटर्स और लेटर्स के बीच में साइन नहीं होती जैसे कि थ्री मल्टीप्लाई बाय टू के अंदर हमें थ्री और मल्टीप्लाई टू के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ता है यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है इट्स अंडरस्टूड की दो लेटर्स है या एक लेटर और एक नंबर है उनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा फोर टाइम्स जी फोर टाइम्स जी का मतलब फोर मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाईड बाई एच मल्टीप्लाईड बाय एच मजीद मल्टीप्लाई करना है एच के साथ यानी कि यहाँ पर तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है पहले फोर मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एच फोर टाइम्स का मतलब फोर मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय अगर इसको बिल्कुल डी कोड करते हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप फोर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना तो जी के साथ ना एच के साथ क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है दोनों लेटर्स तो जी एच एज इट इज आ जाएंगे और फोर इनके साथ आ जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर फोर जी एच के बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन और इसमें हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हमें प्रोवाइडेड हैं जिसके अंदर से एक रेक्टेंगल की हमारे पास जो वेथ यानी ब्रेथ है वो एक एक्स सेंटीमीटर्स है और दूसरे रेक्टेंगल की वेथ हमारे पास वाई सेंटीमीटर्स है अब ये याद रखो बच्चों रेक्टेंगल किसको कहते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं ठीक है हाँ लेकिन इसके अंदर चारों साइड इक्वल नहीं होती है लाइक स्क्वायर स्क्वायर और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस है इसकी लेंथ और ब्रेथ यानी लेंथ और वेथ दोनों डिफरेंट होती है ठीक है उसी को हम रेक्टेंगल कहते हैं अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास विथ प्रोवाइडेड है द ग्रीन रेक्टेंगल रेक्टेंगल की अगर हम बात करें उसके अंदर हमारे पास विध कितनी उसके बाद कह रहे हैं द लेंथ इज सिक्स टाइम्स दिथ लेंथ अब देखो मैं सेंटेंस को किस तरह से चेंज कर रही हूं एक्सप्रेशन में लेंथ इज सिक्स टाइम्स दिथ सिंपल मैंने क्या किया लेटर्स को जो वर्ड्स थे यहाँ पर मेरे पास स्टेटमेंट थी मैंने उसको एक्सप्रेशन मेंल्टीप्लाई बाय द विथ एक्स तो ये मेरे पास क्या आ गया लेंथ निकल आएगी मेरे पास इस तरह से तो लेंथ कितनी हो गई मेरे पास यहाँ पर ग्रीन रेक्टेंगल की सिक्स एक्स हो गई सिंपल उसके बाद कह रहे हैं द ब्लू रेक्टेंगल ऑन द राइट हैज अ विड्थ ऑफ y सेंटीमीटर उसके बाद हमारे पास एक ब्लू रेक्टेंगल भी है तो ब्लू रेक्टेंगल के अंदर हमने कहा इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास सेम नहीं है ग्रीन रेक्टेंगल से बल्कि वो y सेंटीमीटर है जो इन्होंने बताया वो हमने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज ठीक है उसके बाद कह रहे हैं द लेंथ इज तो इसकी जो लेंथ है वो हमें बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ विड्थ कितनी है लेंथ इज थ्री सेंटीमीटर मोर देन टू टाइम्स दिथ क्या किया मैंने द लेंथ द लेंथ एज इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर थ्री मोर देन प्लस टू टाइम्स टू मल्टीप्लाई बाय द विथ दिथ लेंथ निकल आई इसकी भी हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई बाय टू बाय इसकी लेंथ हमारे पास क्या आई थ्री मल्टीप्लाई बाय टू वाय और ऊपर हमारे पास लेंथ क्या आई थी सिक्स एक्स ठीक है अब हमारे पास विथ के साथ साथ दोनों की लेंथ भी आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई अब हमसे कह रहे हैं राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस डिफरेंस किसको कहते हैं तो ये टर्म्स याद कर लो बच्चों सम कहते हैं दो चीजों को प्लस करने को डिफरेंस कहते हैं दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करने को अच्छा जब डिफरेंस की बात होती है ना तो कोई भी आप एक्सप्रेशन के अंदर टर्म पहले और बाद में रख सकते हैं इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता ठीक है और प्रोडक्ट कहते हैं दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने को और क्वेश्चन कहते हैं दो टर्म्स को डिवाइड करने ठीक है थीके? ये टर्म्स अगर, अगर आप याद रखोगे तो ये आपकी काफी काम आएंगे जैसे डबल ट्रिपल टाइम्स ये सारी चीजें हैं मोर देन लेस देन ठीक है इसी तरह से ये टर्म्स भी अब आपके काम अब आपको क्या करना है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस अब आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स ये जो दोनों आपके पास लेंथ आई है ना ऑफ द लेंथ ये दोनों लेंथ का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लेंथ ऑफ of... पहला वाला ग्रीन रेक्टेंगल है ठीक है और उसके बाद लेंथ ऑफ ब्लू रेक्टेंगल है तो हमने क्या करना है सिंपल यहाँ पर लेंथ ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल को माइनस कर देना है सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से थ्री मल्टीप्लाई बाय टू वाई लिख दिया वहां पे थ्री प्लस है थ्री प्लस टू वाई के साथ ठीक है अच्छा अब यहां पर मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों रखा बच्चों ये बात यहाँ पर समझ लो आगे आपके काम आएगी कि जब भी आप क्वांटिटी को माइनस कर रहे होते हैं और माइनस करने के बाद जो आपके पास पूरी क्वांटिटी है अब ये पूरी लेंथ हमारे पास 3 2y है ना तो इस पूरी क्वांटिटी को अगर हम ब्रैकेट में नहीं रखेंगे इसका मतलब है, पता है क्या होगा? इसका मतलब मतलब है 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 पता क्या होगा कि हालांकि ब्रैकेट में रखने का क्या मतलब है कि ये माइनस साइन हमारे पास पूरे ब्रैकेट के ऊपर है तो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर ये साइन थ्री के ऊपर भी लगेगी और ये माइनस साइन इस पर भी लगेगी तो ये हमारे पास होगा माइनस प्लस माइनस टू वाई इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है जो भी साइन होती है वो ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो ये माइनस का साइन थ्री के साथ भी जाएगा और प्लस टू वाई के साथ भी जाएगा दोनों को नेगेटिव करेगा हालांकि अगर हमने ब्रैकेट ना लगाया तो क्या होगा कि ये माइनस का साइन सिर्फ थ्री के ऊपर लग गया प्लस टू वाई के ऊपर नहीं लगेगा तो ये रॉन्ग है ये आपका करेक्ट है ठीक है तो इसलिए आपको यहाँ पर इसको ध्यान से करना है अब आपका आंसर क्या आया पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंस इन देंथ ऑफ द रेक्टेंगल सिक्स एक्स माइनस थ्री प्लस टू वाई अब चाहे तो आप इसको ओपन करके लिख लो और चाहे आप इसको एज इट इज रहने दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर यह आपके पास सिक्स एक्स माइनस थ्री माइनस टू वाई भी लिख सकते हो इसको सिक्स एक्स माइनस टू बाय माइनस थ्री भी लिख सकते हो वेरिएबल्स को पहले और कांस्टेंट को बाद में लिख सकते हो एज यू लाइक आप यहाँ पर कर सकते हो तो ये एक्सरसाइज आज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुई होगी स्टिल कोई क्वेश्चन हो क्वेरीज हो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है ठीक है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज